आइए सुनते हैं शेर और चूहे की कहानी। जब भी हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद? उससे भला हमें क्या फायदा होगा? फिर तो तुम्हें शेर और चूहे वाली कहानी सुननी चाहिए। जंगल में उस दिन एक शांत और अच्छी दोपहर थी। एक लायन खाना खाने के बाद अपनी गुफा के बाहर बड़े आराम से सो रहा था। तभी एक माउस खेलता हुआ वहाँ आया। वो खाने की तलाश में था। हमेशा की तरह वो लायन की गुफा के पास खाना ढूंढ रहा था। जैसे जैसे समय बीता शाम हो गई और अंधेरा हो गया। माउस दिन भर खाने पीने और खेलने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। वो अपने आप में खोया हुआ था और लायन की गुफा से निकलते हुए गलती से वो सो रहे लायन के ऊपर चला गया। लायन की नींद खुली और उसने माउस को अपने पंजों में जकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जंगल के राजा को उठाया, देखकर नहीं चल सकते क्या तुम? लायन जोर से गुर्राया। माउस दंग रह गया और डर के मारे कांपने लगा। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, लायन फिर से चिल्लाया। माउस कांपते हुए गिड़गिड़ाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। तुम किस काम आओगे? तुम किसी काम के नहीं। लायन ने माउस का मजाक उड़ाया। माउस ने फिर से कहा, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा किसी दिन। मुझे जाने दीजिए। लायन को उस कांपते हुए माउस पर दया आ गई। आज तुम लकी हो, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दोबारा यहाँ भूल कर भी मत आना। चलो अब जाओ यहाँ से। माउस खुश हो गया कि वो जिंदा बच गया है। वो जल्दी से अपने बिल की तरफ भाग गया। कई दिन बीत गए। एक दिन दोपहर को लायन अपनी गुफा के बाहर घूम रहा था खाने की तलाश में। जंगल में उस दिन काफी अजीब सी शांति थी। हंटर्स घूम रहे थे और सारे जानवर डर के मारे छिपे हुए थे। शेर अपनी गुफा के पास ही था, तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी अजीब सी चीज पर पड़ा। वो एक हंटर की नेट थी जो बुशेस के बीच छिपी हुई थी। जल्दी लायन उस नेट में फंस गया। लायन डर गया और जोर से दहाड़ा। उसने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पास में रहने वाले माउस ने लायन की आवाज सुनी। वो अपने बिल से निकला और लायन को खतरे में देखकर हैरान रह गया। बिना टाइम वेस्ट किए माउस ने लायन की हेल्प की। उसने हंटर की नेट को अपने तेज दांतों से काट दिया और लायन को छुड़ा लिया। लायन ये सब देखता ही रह गया कि कैसे एक छोटे से माउस ने उसकी जान बचाई। उसने कहा, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। माउस ने कहा, क्या आपको याद है आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया था? अब आपकी हेल्प करने की मेरी बारी थी। ये सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ गए। किसी की मदद करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे हम अच्छे इंसान बनते हैं। देखो मैं क्यूट लिटिल